मध्य प्रदेश के इंदौर में एक माह का सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, लेकिन सड़क हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में खुडेल थाना क्षेत्र से अंध गति से आ रहे डंपर की चपेट में आने से दो पहिया वाहन पर सवार चाची व भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मृग काम को शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। इंदौर के सुखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित इंडेक्स कॉलेज में सामने बने हुए ओम शांति मंदिर से दर्शन करने के बाद अपने घर जा रहे दो पहिया वाहन को अंध गति से आ रहे डंपर ने अपनी चपेट में ले लिया और चाची और भतीजे को डंपर ने रौंद दिया। घटना में मायाबाई उम्र 40 वर्ष और भतीजा कृष्णा 13 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतकों के साथ ही दो पहिया वाहन पर सवार परिवार का सदस्य घटना में पूरी तरह से सुरक्षित बच गया। घटना के बाद राहगीरों की मदद से पुलिस को सूचना दी गई और एम्बुलेंस को बुलाया गया और दोनों ही घायलों को एम्बुलेंस की मदद से दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां दोनों चाची भतीजे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला हॉस्पिटल भिजवा दिया है। वही अज्ञात डंपर की भी तलाश शुरू कर दी गई है। माया पति प्रीतम सिंह राठौड़, हाँ, और कृष्णा उम्र 40 साल थी, उम्र 40 साल, कृष्णा निवासी डबल चौकी, और कृष्णा पिता अनिल सिंह राठौड़ उम्र 13 साल निवासी डबल चौकी। दर्शन करके इंडेक्स हॉस्पिटल के सामने ओम शांति सेंटर से दर्शन करके घर आ रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी। इससे ये काय पे थे, बाइक पे थे। और भी कोई घायल हुआ इसमें? नहीं, चोट नहीं लगी जो ड्राइवर थे उनको, ड्राइवर थे उनको चोट नहीं लगी। अच्छा, इन्हीं को होगा। ये बाइक पर गिर गया नीचे, गिरने में अच्छा गाड़ी चढ़ गई, पीछे से गाड़ी आ रही होगी वो चढ़ गई होगी इनके ऊपर। मतलब ये दर्शन करने के लिए आए थे वहाँ पर? हाँ जी। आपका नाम बताइए? जितेंद्र सिंह राजा। फोटो है क्या? फोटो मतलब उसमें से निकाल लेंगे, कभी मिल भी जाए तो एक फोटो। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।